गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, आई एम रुचि गुप्ता, योर मैथ्स टीचर. इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1-4. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा, डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर, आल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री कौन से एंगल पर है ये निकालना है, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यानी कितनी बार वो रोटेट होता है. सबसे पहले इसमें देखो, टू लाइन्स हैं ये, 1 एंड 2. जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, जब ये रोटेट होगी ऐसे करके, पहले 1 फिर 2, दो बारी रोटेट होगी. और एंगल ऑफ रोटेशन दोनों में बिल्कुल सेम है, टू लाइन्स हैं, और एंगल ऑफ रोटेशन भी ऐसे बनेगा 180 का. इसमें भी 180 का है और इसमें भी ऐसे करके 180 का है. जब ये रोटेट होगी तो ये भी ऐसे करके 180 का. दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन में एंगल ऑफ रोटेशन 180 ऐसे लिखेंगे. एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल 180 डिग्री. द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जब रोटेट होता है 360 डिग्री पे, एंगल पे रोटेट होता है, 360 को हमने 180 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 2. 6 का फर्स्ट सेकेंड दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों में एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री डिवाइड करके 2 टाइम्स. 6 का फर्स्ट एंड सेकेंड. 7th में, डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर व्हेन ईच वन इज रोटेटेड एट द पॉइंट M. M पॉइंट से रोटेट हो रहा है, आल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, सबसे पहले ये M पॉइंट से रोटेट होगा तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. जब रोटेट होता है बेटा तो रोटेट होकर वापस उसी पे आना चाहिए, लेकिन इसमें ये छोटा एंगल बना हुआ है, छोटा सर्कल है, इसलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. सेकंड और फोर्थ दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन में रोटेशनल सिमेट्री एम पॉइंट्स पे है. ये एम पॉइंट सेंटर में है, इसमें भी एम पॉइंट सेंटर पे है. एंगल ऑफ रोटेशन जब ये ऐसे रोटेट होगा तो 180 पे रोटेट होगा, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2. इसमें भी सेम है, सेंटर पॉइंट है, यहाँ से रोटेट होगा ऐसे, फिर 2 टाइम्स. 7th का सेकंड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन में ऐसे लिखना है आपको, एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल 180 डिग्री, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 बाय 180 इक्वल 2. 7th का सेकंड और फोर्थ, और 6th का फर्स्ट और सेकंड, ये चारों क्वेश्चन बेटा सेम है. 7th के फर्स्ट में रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, इसमें 9 लिख देना. 7th का थर्ड, इसमें देखो M पॉइंट से रोटेट होगा, इसमें ये 3 सर्कल बने हुए हैं ना, 1 2 3, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 3. ठीक है, अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, रोटेट होगा 120 पे, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 को 120 से डिवाइड किया तो 3. ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री का, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3. 6 का फर्स्ट सेकेंड, 7th का सेकेंड और फोर्थ, चारों क्वेश्चन सेम है ऐसे. नाउ 11.2 में भी सबसे फर्स्ट आपको अल्फाबेट दे रखा है H. आपको बताना है H में कौन सी रोटेशन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, 4 है हमारे पास. देखो H अल्फाबेट में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये रोटेट भी हो जाएगा, तो इसमें C पार्ट बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों है. इसमें बोथ लाइन, दोनों लाइन है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी. रोटेशनल सिमेट्री जब ये रोटेट होगा, रोटेट होके वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड है, ये और ये दोनों सेम है, रोटेट करेंगे सेम वैसे. सेकंड क्वेश्चन में रोटेट करना है हमें फिगर को. 3 फिगर हैं, इसको आपको 90 और 180, तीनों को 90 और 180 दो बारी रोटेट करके दिखाना है आपको. ठीक है, अब रोटेट करके कैसे दिखाएंगे देखो. सेकंड का फर्स्ट, पहले बी आपका स्ट्रेट था, जब हम 90 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसे लेट जाएगा, जब इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा बी. ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को जब हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो जो ये वाला पॉइंट था वो यहाँ पे आ जाएगा,
जब हमने इसको 180 पे रोटेट करेंगे, जो ऊपर इसका पॉइंट था वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल है। ऐसे ही M है, M जब 90 डिग्री पे रोटेट होगा तो उस साइड चला जाएगा M, जब M 180 पे रोटेट होगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड के तीनों पार्ट ऐसे दोनों एंगल से रोटेट करके दिखाने हैं, 90 डिग्री से भी और 180 से भी। थर्ड में इन द फॉलोइंग फिगर ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री दिखानी है आपको, और व्हाट टाइप ऑफ शो द एंगल, रोटेशनल सिमेट्री कौन सी है। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, वर्टिकल भी है हॉरिजेंटल भी है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, क्योंकि टू है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन है 180 डिग्री, क्योंकि टू लाइन्स हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 360 को 2 से डिवाइड करोगे 180 डिग्री। सेकंड में ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में देखो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती हैं, जब आप 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या बनता है उसमें, 120 डिग्री थर्ड के दोनों पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में देखो हमारे पास फिगर बना हुआ है, आपने बताना है रोटेशनल सिमेट्री, इसके ये पार्ट्स काउंट करो, देखो कोने इसके 1 2 3 4 फोर है ना, तो क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, यस है। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 को 4 से डिवाइड कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेगा, ठीक है। फोर्थ के सेकंड में ये देखो जेड बना हुआ है, अब जेड में 1 2 तो यस इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 को 2 से डिवाइड कर दिया तो बनेगा 180 डिग्री का। जब हम रोटेट करते हैं बेटा तो रोटेट करके उसकी पोजीशन वो उसी शेप में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए उसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। 11.2 आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।